बालाजी हैं, ये उनके बड़े भाई हैं। ये वही जानवर है जो एक डोसे के बाद में भी फ्राइड राइस खा रहा है, उससे पहले भी फ्राइड राइस खा चुका है। एक चीज नया सोफा, वाह वाह, इसमें मैं ऐसे कूदता हूँ। ये देखो जी, देख कूदा ना। जब सुबह उठते ही मैंने पेप्सी पी ली। अरे उठते ही खाना चालू खाना नहीं तो सो रहे अभी। ये चीज किसकी चाय है? क्या खा रहा है? अब तो दिख गया मुझे सब कुछ। सुबह सुबह उठते ही भूख लगने चालू उठते ही भूख लगने चालू हो जाती है। चाय फिर जाएगी कौन सा? वो सांप वाला? सांप वाला। अरे बेबी जी मेरा फोन ले लेते गेम के लिए। तो फुश फुश फुश, मैं आ गई ना की। और ये मेरे ओटीडी, और ये मम्मी ओटीडी, और बेबी बेटी अभी तक खाई नहीं। बेबी बेटी क्या चिल्लाई है बताओ? और वो रही ओटीडी। मैंने भी ब्लॉग देखा, ब्लॉग का टाइटल पढ़ा, दीदी का पाकिस्तान। फिर मैंने सोचा दीदी के सपने बहुत बड़े थे। दीदी के थप्पड़ बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। पर क्यों मम्मी? मम्मी मेकअप करती हुई आज तो अच्छे से मेकअप कर लो। मेकअप हो रहा है, पूरा पसीने पसीने तो क्या नहीं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। मौसम तो बढ़िया है पर यहाँ का है ना, गर्मी नहीं लगती। हाँ ऊपर बढ़ो, ऊपर ज्यादा बढ़िया था। ऊपर साए साए हवा चल रही है, मजा आ रहा है, साफ सुथरा। यहाँ तो फिर भी गंदगी है, लेकिन ऊपर तो बहुत साफ है। काम आएगा। मम्मी सुई धागा लाई थी इसके लिए कि इनका पर्स टूट जाए तो मम्मी सिल लें। सुई धागा इसलिए लेकर चली थी कि बाई चांस कोई कपड़े में फट टूट जाए या कुछ ऐसा हो जाए। और ये देखो मेरा ही पर्स का ये निकल गया, अभी सिल रही हूँ बैठ के। नया पर्स है, नया हो या पुराना बात वो नहीं, लेकिन अब सफर में तो चाहिए ना ये। और बेबी आंटी भी नहीं, लेट्स गो। ये देर से आ गई, देर से आ गई कि व्लॉग भी बनाना था। हम चले मंदिर, टोपी टोपी लगा के। अरे वाले कांजी नीचे हो गए, इसलिए मैं उनको बीच में बिठाती हूँ हमेशा। आने जी ढक गए, गर्मी लग रही है। ऊपर इतना अच्छा मौसम था, यहाँ पर ये है मंदिर, और यहाँ पे हमें फ़ोन जमा करना है। और ये मंदिर का मेन गेट है, और यहाँ पे अब हम अपने फ़ोन जमा कर देंगे, उसके बाद हम जाएंगे अंदर। और हम आ गए हैं बाहर, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे। और यहाँ पर वही बलराम जी और उनके मतलब अपनी वाइफ के साथ हैं, और साथ में मतलब विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी और पद्मावती के साथ है, अपनी पत्नियों के साथ, दोनों के साथ। और बहुत अच्छे से दर्शन हुए, और फ़ोन हम लोकर से ले आए हैं अब।
और प्रसाद भी मिला हमें। धूप हो रही है, चलो चलो है बस टॉय खरीदने। एक टॉय दिलवा दो, ट्रेन में मैं बहुत बोर होता हूँ। बढ़िया, नहीं नहीं कोई टॉय नहीं है, चलो। और ये यहाँ की पूरी मार्केट है, टॉय की दुकान भी है। और ये मैंने सिंदूर ले लिया है अपना, और वहाँ से भी लिया था मैंने, यहाँ से भी लिया है। बहुत सारी मार्केट है यहाँ पे। How are you funny? 30 लगाओगे ना? सारी लेना पानी क्यों? सारी लेना क्या छोड़ो? नहीं नारियल पानी मिलेगा। यहाँ पे आके भी छोड़ो, क्या फायदा? अभी कल की लाई थी ना, फिर पी ली, अभी नारियल पानी से छोड़ा। लाई निकलवा दी मैंने ना? इसकी फिर नहीं निकलवा देना, इसमें तो पानी तो था ही नहीं, पानी भी अच्छा नहीं था। चाय पियेंगे हम, इसमें साफ है, अंदर आ जाओ। बर्गर, पिज्जा, चलो मिलेगा सब। हाँ, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि उसके बाद हमें निकलना है, बस है थोड़ी लेट, देखते हैं। बस का किराया पर बहुत ज़्यादा है। चलो 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 उधर, बदतमीजी नहीं करना, चलो चलो। कहाँ खाना है, है? बाप खरा जा, इधर चलना है, इधर चलना है, खाना मिले वहाँ जाना है। मुझे नहीं पता किधर खाना मिलेगा, इधर मिलेगा खाना। क्या खाना है? मुस्कान भाई, नहीं मुस्कान से पूछ अलग, पहले इसे देखने दे। उस बेबी क्या खाओगी? अनियन रबर डोसा। फाइनली मुस्कान के फ्राइड राइस आ गए हैं। कल से दुखी थी बेचारी इन चावलों के लिए कि मुझे ऐसे खाने हैं, ऐसे खाने हैं। और ये खुश का स्पेशल पनीर डोसा आ गया है, और बेबी का है, बेबी डोसा खाओगी। और ये मैडम के फ्राइड राइस जो सबने पेल मारे। ये खाए क्यों नहीं? ये देखो, ये वही जानवर है जो एक डोसे के बाद में भी फ्राइड राइस खा रहा है, उससे पहले भी फ्राइड राइस खा चुका है। और ये वो है कि जिसने दो दो बार फ्राइड राइस मंगाए पर खाए कोई से भी नहीं, ना डोसा खाया है। मैंने इसे कहा था वहीं चल भोजनालय में, वहीं खिलाऊंगी तुझे। क्या चावल सांभर, सांभर चावल है, इडली सांभर। अब क्या खाओगी? उपमा सांभर। भुट्टा खाएगी? बाहर चलो जो खाना वो खा लिए, बाद में अगर ये कुल्लड़ा जैसा मुंह बनाया है ना तो तेरे मुंह में भुट्टा मारूंगी। चलो
बहुत लंबा सफर है, 12 घंटे का है, 12 घंटे का रास्ता है, जल्दी जल्दी करके निपटो यहाँ से निकलो। हाँ 12 घंटे सफर में, वो भी बस में। और अभी और खाने की सोच रही है। ये देखो खा पी के चली है घूमने के लिए मंजूनाथ भवन। मेरा होटल खुल गया, कहाँ है वो राम मंजूनाथ भवन, देखा। अब ये घूमने के लिए चली है। क्या है? नहीं मैं कुछ खिलौना नहीं लेने वाली हूँ। और हम जा रहे हैं तिरुपति से। गोविंदा गोविंदा, बाय बाय।